हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मसाला मिल्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे चने के दाल के वड़ा के साथ फिश कड़ी। तो देखिए किस तरीके से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये मेरी नानी की रेसिपी है, मेरी नानी बनाती थी, बहुत बढ़िया बनते थे। और ये हमारे बंगाल का बहुत अच्छा रेसिपी है, वेस्ट बंगाली का। तो देखिए मैंने इसमें अदरक लहसुन पीसी थी, इसमें ही मैं ये चने दाल पीस लूँगी। तो एक कप में ये बड़ा कप का एक चने दाल को मैं भिगो ली थी। तो अब इसको पानी निकाल के ये मिक्सर में मैं डाल लूँगी। और इसमें ये कच्चा जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये चने की दाल के वड़े में। तो देखिए एक चम्मच में डाल दी इसमें कच्चा जीरा, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी उसमें, और ये हरी मिर्ची 3-4 मैं से डाल के अभी इसको। तो ये मैं कुछ फिश ले ली हूँ, 6 पीस फिश है। इसमें मैं हल्दी नमक डालकर मैरिनेट कर लूँगी। अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इस फिश को। तो देखिए मैंने इस तरीके से नमक लगा के हल्दी लगा के साइड में रख ली इस फिश को। अब हम दाल का वड़े का तैयारी करते हैं। तो देखिए ये एकदम पानी नहीं डालना है, बार बार आपको मिक्सी घुमा घुमा कर चम्मच से पलट पलट कर आपको ऐसे पीसना है, और गीला नहीं होना है और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है कि बहुत बारीक है, ये थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर है। तो देख सकते कितना अच्छे सूखे, आपके पास सिलपट्टा हो तो उसमें भी पीस सकते हो आप। एक प्लेट में मैं ऐसे निकाल लूँगी, और 1-2 छोटे छोटे प्याज, 1 मीडियम प्याज मैं काट के बारीक इसमें मिक्स कर दूँगी। देखिए ये मेरा बहुत छोटे है तो मैं 2 ली, आपके पास मीडियम हो तो 1 लीजिएगा। तो इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से मैं डालूंगी। तो नमक डाल दी मैं टेस्ट के हिसाब से, और इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से। इस पे मैं थोड़ा हल्दी भी डालूंगी, एकदम 2-3 पिंच की तरह। और इस तरीके से को गोला बना के ऐसे ऐसे शेप में बना लूंगी। तो देखिए ये मेरा ऐसे बन के रेडी है। अब मैं इसको साइड में रख लूंगी, और मैं ये मसाला पीस लूंगी मिक्सर में, सेम मिक्सर में ही पीस लूंगी क्योंकि ये मैंने दाल ही पीसी हूँ। तो आपके पास मीडियम 2 प्याज ले लीजिएगा, और छोटे छोटे तो 4-5 ले लीजिए, मोटे मोटे काट के ही डालना है क्योंकि मिक्सर में तो पीसी जाएंगे। तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली हूँ मेरे को अच्छा कलर के लिए, आपके पास पाउडर हो तो पाउडर यूज़ कीजिए। और ये 3 हरी मिर्च, कच्चा जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये रेसिपी में, तो मैं कच्चा जीरा ये मसाले में भी डाल रही हूँ, 1 चम्मच 1.5 चम्मच। ये बहुत छोटा है मसाले का, तो मैं इसका 1.5 चम्मच ली, आपके पास बड़ा स्पून हो तो 1/2 चम्मच लीजिएगा। और इसमें मैं अदरक लहसुन भी इसके साथ में ही 1 चम्मच पूरा ली, इसका 1/2 करके ली मैंने इतना, तो 1 चम्मच पूरा हो गया वो। ये मसाले को मैं अच्छी तरीके से एकदम बारीक पीस लूँगी, और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ये खसखस डालूँगी, आपके पास हो तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। तो मैं जो मेरे पास है अवेलेबल तो मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब ये सारे मसाले को मैं एकदम अच्छी तरीके से मिक्सर में थोड़ा पानी डाल के मैं पीसूंगी। देखिए ये मसाला इस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा हमारा ग्रेवी को भी थिक कर देंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा पीस गया है मसाला। सालन में ये सरसों के तेल में बनाऊंगी, तो इसमें मैं मसाले फ्राई होने रखूंगी
और एक कढ़ाई में मैं वहाँ दूसरी में इसमें मैं फ्राई करूँगी, फिश फ्राई करूँगी और ये वड़ा फ्राई करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं ये चूल्हे का गैस चालू कर दी हूँ और इस पे मैं जब तक ये मसाले सूखे नहीं तब तक मैं इसको तेल नहीं डालूँगी। तो एक तरफ मेरा मसाला भी भूनते रहेंगे और एक तरफ मेरा फिश फ्राई और ये दाल वड़ा भी फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से बैगन काट ली हूँ, ये सफ़ेद वाला बैगन है, ये फिश कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं। तो इस तरीके से मैं मोटा मोटा काट ली हूँ ताकि मुझे इसको भी थोड़ा फ्राई करने में आसानी हो, क्योंकि पतले काटूंगी तो बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो मैं ये चार बैगन ले ली हूँ, आप ये ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो डालिए, नहीं तो आपको नहीं पसंद तो स्किप कीजिए। ये हमारा तेल ये सरसों का एकदम अच्छी तरीके से गर्म हो गए हैं, तो पहले मैं ये दाल वड़े को फ्राई कर लूँगी ताकि ये तेल में डालते समय सावधानी से डालिए, हाथ में आप लोगों का नहीं लगे। ये फास्ट गैस में मैं फ्राई कर लूँगी ताकि ये जल्दी गोल्डन हो जाए। ये पिसा हुआ दाल है, भिगा के रखी थी तो बहुत जल्दी हो जाएंगे ये वड़ा, पक जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को धीमी आंच में पकाने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट गैस में ही कर लीजिएगा। तो ये हमारा वड़े हो गए हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं बैगन को भी फ्राई कर लूंगी ताकि बैगन का जो स्वाद रहे दोगुना और बढ़ जाए। ये बहुत अच्छी टेस्ट देंगे ये बैगन ऐसे फ्राई करके बनाने से। यहाँ पर मैं तेल नहीं डाली हूँ इस मसाले में, क्योंकि फिश फ्राई करके जो तेल बचेंगे इसमें मैं डाल दूंगी तो हमारा तेल काम में आ जाएंगे। तो इसमें मैं अभी इसको होने दूंगी, तो ये दो टमाटर बारीक कटा हुआ इसमें डाल दूंगी। और इसको फिर से अच्छी तरीके से एकदम टमाटर होने तक, गलने तक अच्छे से होने दूंगी स्लो गैस में ताकि हमारा मसाला जले नहीं। तो ये हमारा बैगन हो गए हैं, मैं बैगन को निकाल लूंगी अच्छे से। अब मैं ये फिश फ्राई कर लूंगी। तो देखिए ये हमारा मसाला बिना तेल के ही भून रहे थे, तो अभी ये जो फिश फ्राई हो गए हमारा सब फ्राई हो गए, तो ये तेल में इसमें डाल दूंगी। अब इसमें सूखे मसाले सब ऐड कर दूंगी, थोड़ी तीखी लाल मिर्च एकदम हाफ टेबल स्पून, ये मसाले के स्पून है बहुत छोटा सा, इसका मैंने हाफ डाली, तीखा कम या ज़्यादा रख सकते हो। एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक टेबलस्पून हल्दी पाउडर, मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली थी, जो लाल मिर्ची का जो कलर है उस वही है, और इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक या कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो मेरा सब्जी थोड़ा ज़्यादा है
मेरा नमक भी मैंने मेरे हिसाब से डाली। ये हमारा मसाला अब अच्छी तरीके से भून गए हैं, तेल भी छोड़ने लग गए हैं। देखिए तेल छूट गए मसाले में। तो जो कढ़ाई में मैं अभी तेल डाली उसमें मैंने गर्म पानी करने को रख दी हूँ। ये गर्म पानी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें थोड़ा ज्यादा ही पानी लगेंगे क्योंकि दाल वड़ा जो है वो पानी सोख लेते हैं। आप लोग को जितना गाढ़ा कड़ी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ये अच्छे से बॉईल होएंगे तब मैं ये सब सब्जियां और फिश इसमें डालूंगी। ये सब्जी अभी मैं इसमें बैंगन डाल दी पहले, ये फ्राई किया हुआ। उसके बाद मैं फिश डाल दूंगी। और फिर ये दाल वड़ा। अब मैं इसको स्लो गैस में 15 मिनट छोड़ दूंगी। तो एकदम अच्छी तरीके से इसमें जो हमारा तरी है, जो ग्रेवी है, इसके अंदर चले जाएंगे। और इसमें लास्ट में जाएंगे ये हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर। भुना जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून जितना मैं हाथ से स्प्रिंग कर दी। अब इसको ढक देंगे। तो देखिए हमारा फिश करी और चने की दाल के वड़े के साथ कड़ी तैयार है। इस तरीके से लग रहा है देखने में, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत टेस्टी बनते हैं ये। प्लीज़ अपने घर पे बनाइए और मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।